उच्च शिक्षा संस्थानों सहित तमाम विश्वविद्यालय में ओबीसी कैडर के छात्रों का छात्रवृत्ति को लेकर स्पष्ट वेबसाइट की नियमावली पोर्टल पर शासन द्वारा नहीं दिए जाने सहित दो सूत्रीय मांग को लेकर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के छात्रों ने आयुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया तथा अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन डिप्टी सीएम को प्रेषित किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संगठन के जिलाध्यक्ष मनीष ओझा ने बताया। मंडलायुक्त कार्यालय पे उप मुख्यमंत्री दिनेश चंद शर्मा जी को दो सूत्री मांग पत्र सौंपे हैं मंडलायुक्त कार्यालय के माध्यम से। हमारी ये मांगे हैं, जो हमारे ओबीसी संवर्ग के हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं, छात्र छात्राएं, ट्रिपल एम के गोरखपुर विश्वविद्यालय के और उच्च शिक्षण संस्थानों में जितने शिक्षण का कार्य कर रहे हैं हमारे विद्यार्थी, उन लोगों को छात्रवृत्ति से वंचित किया जा रहा है। जो ये नया नियम लागू हुआ है प्रदेश में, ये नियम को तत्काल बदला जाए। पहले की प्रणाली थी छात्रवृत्ति की, उसको लागू की जाए तत्काल। ये जो 65% के मानक बना दिया गया ओबीसी संवर्ग के लिए, ये कहीं से भी उचित नहीं है। इसको तत्काल पुरानी जो छात्रवृत्ति की प्रणाली थी उसको लागू किया जाए, जिससे हमारे ओबीसी संवर्ग के जितने भाई एवं बहन हैं जो छात्रवृत्ति पाने से वंचित हैं, उनको उस लाभान्वित हों वो। अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम लोग धरने को बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन गोरखपुर की होगी। धन्यवाद।